भागवत के बयान पर खालिद रशीद जी ने कहा है कि ये धर्म की राजनीति करें, इन लोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, खालिद साहब ने जो कहा है ये है कि कोर्ट का आदेश तो हम लोग पालन करते हैं, मांग करते ही, लेकिन आप लोग ही अड़ंगा लगा करके उसको लटकाते हैं। जैसे कि 94 के केस ला करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया कि जिसको लटकाया जाए इसका निर्णय जल्दी ना हो। मोहन भागवत ने इसलिए कहा है कि क्योंकि कोर्ट में पता नहीं कितना समय लगेगा, इसलिए अध्यादेश ला करके और इसको किया जाए। और हमारे संतों ने भी इसकी मांग कर दिए हैं और राम भक्तों की भी मांग है, इसमें कौन सी परेशानी है? उनको रामलला का मंदिर भव्य बन जाए और कोर्ट में अध्यादेश ला करके, ये लोकसभा में अध्यादेश ला करके और बनाया जाए। हम कोर्ट की सम्मान करते हैं, कोर्ट का आदर करते हैं। विलंबित होगा और 2019 के पहले न होने के कारण से हमारे वर्तमान सरकार के सामने एक समस्या आएगी और लोग कहेंगे कि सरकार सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसकी इसलिए सत्ता में ये ला करके अध्यादेश बनावे। ये सबकी मांग है, मोहन भागवत जी की मांग है, हमारे संतों की मांग है और राम भक्तों की मांग है, इसलिए सरकार को ऐसा करना चाहिए।